भाई जान सलाम। मैं कोई बड़ी पढ़ने लिखने वाली तो नहीं हूँ, बस अच्छे लिखे को समझने की कोशिश जरूर करती हूँ। मैं आपकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्पी से पढ़ती हूँ। आपसे मुझे हर बार नए मुद्दों की उम्मीद रही और आपने हर बार नया मुद्दा पेश किया, लेकिन जो मुद्दा मेरे दिमाग में है वो कोई राइटर पेश ना कर सका, यहाँ तक कि सादत हसन मंटो भी नहीं, जो आदमी के दिमागी और विलासी हाल कहने में उस्ताद है। हो सकता है वो मुद्दे आपकी लिखने की लिस्ट में हों और आप कभी उन्हें अपनी कहानियों में शामिल करें, लेकिन फिर सोचती हूँ कि हो सकता है सादत हसन मंटो ऐसा बेरहम राइटर भी इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर जाए, तो इसलिए कि इस मुद्दे को नंगा करने से सारी कौम नंगी होती है और मंटो कौम को नंगा देखना चाहता ना हो तो। खैर, मैं इस हद को उलझाती नहीं, सीधे सीधे मुद्दा बताती हूँ। हमारे माहौल के मर्दों का कम उम्र लड़कों के साथ गैर फितरती जिस्मानी ताल्लुक। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी इस बारे में आपको खत लिखूं और आखिर जुर्रत कर ली। सिवाय मंटो के और कोई इस मुद्दे को बेनकाब नहीं कर सकता। बस सलाम, आपकी बहन। बहन का नाम? अरे नाम को मारिए गोली। जब से ये खत मिला है मैं तो तब से परेशान हूँ कि आखिर ये लड़की है कौन, और फिर मैं कहाँ का उस्ताद जो आदमी के दिमागी और जिस्मानी हालात को बखूबी बयां करता हो। अब आरती साहब कोई राय दीजिए। ये औरत, अगर वाकई औरत है और शादीशुदा है तो इसके मियाँ को लौंडेबाजी का शौक है। मैं कोई पैगंबर नहीं, वली भी नहीं, क्या जवाब दूँ इस औरत के खत का? मंटो साहब, ऐसे खतों का जवाब देने में आप वाकई उस्ताद हैं। या भाई 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 भाई, मैं तो साफ साफ लफ्जों में लिख दूंगा जो मुझे कहना होगा। हाँ तो लिख दो। लेकिन क्या लिखूं, ये औरत जात है। जब वो लिखती है कि मर्दों का कमसिन लड़कों के साथ जिस्मानी ताल्लुक होता है तो आप उसको मुनासिब जवाब क्यों नहीं देते? मेरे पास मुनासिब लफ्ज नहीं है उसको जवाब देने के लिए। मंटो साहब, तकल्लुफ ना करें, कलम पकड़िए और जवाबी खत लिख मारिए। मैंने कलम पकड़ा और लिखना शुरू कर दिया। मोहतरमा, मैं आपको अपनी बहन बनाने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मुझे औरतों से डर लगता है, हो सकता है कि आप किसी मर्द के भेष में औरत हो, लेकिन मैं आपको एक औरत ही मान रहा हूं। बेशक मैं बेरहम राइटर हूं, अगर ऐसे किसी खास मुद्दे पर लिखूं तो मुझ पर फिर मुकदमे चल जाएंगे। आपको शायद मालूम हो कि मुझ पर अब तक 6 मुकदमे चल चुके हैं अश्लील लेखन के बाबत। खैर, ये मेरा और कानून का झगड़ा है, आपको इससे क्या? आपने जिस बात का खुलासा किया है अगर मैं उसे नजरअंदाज कर जाऊं तो ये गलत होगा। जो मुद्दा आपने बताया है कोई नया नहीं है,
इस पर इस्मत चुगतई अपनी मशहूर कहानी लिहाफ में लिख चुकी है कि एक औरत के खाविंद को लड़केबाजी की आदत थी। उसका असर यह हुआ कि उस औरत ने दूसरी औरतों से हम जिंसी शुरू कर दी। जहां मर्दों में जिस्मानी रिश्ते हैं वहां औरतों में भी हैं। मैं आपको एक जिंदा मिसाल पेश करता हूं। बेगम पारा, वो फिल्म एक्ट्रेस, उसको तो आप जानती होंगी। उसका ताल्लुक प्रतिमा दास गुप्ता से है। आप लिखती हैं, हमारे माहौल के मर्दों का कम उम्र लड़कों से जिस्मानी रिश्ता गैर फितरती है। जहां तक मैं समझता हूं, कोई चीज गैर फितरी नहीं होती। इंसान की फितरत में बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी बातें मौजूद हैं। इसलिए ये कहना ठीक ना होगा कि इंसान की फुला बात गैर फितरती है। इंसान कभी फितरत के खिलाफ जा ही नहीं सकता। जो उसकी फितरत है वो उसी के अंदर रहकर तमाम अच्छाइयां और बुराइयां करता है। मुझे मालूम नहीं कि आप शादीशुदा हैं या कंवारी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई बड़ा तजुर्बा हुआ है जो आपने मुझे ये खत लिखा। लौंडेबाजी कोई आज से नहीं, हजारों साल से कायम है। जब मर्द को औरतें आसानी से नहीं मिलती तो मर्द भटकते भटकते बकौल आपके कमसिन लड़कों से गैर फितरी ताल्लुक बना लेते हैं। उलट फेर कर औरतों के लिए भी वही बात लागू होती है। सीधी सी बात है, जिस चीज की तलब हो वही मंडी में आती है। अब वो तलब छोकरों की हो या छोकरियों की। एक जमाना था, 20-22 बरस पहले की बात है, लाहौर में एक सुर्ख लड़का टिनी सिंह होता था। बड़ा खूबसूरत, उसके सामने हसीन से हसीन लड़की भी फेल थी। उसने लाहौर में एक कयामत बर्पा कर रखी थी। उसके आशिक ने उसको एक मोटर कार ले दी ताकि उसे कॉलेज जाने और घर तक आने में कोई तकलीफ ना हो। मैं अब आपको कितने किस्से सुनाऊं? अमृतसर, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां मेरा एक हिंदू दोस्त है, गजब का सुंदर। हम उसके घर बैठे थे कि बाहर हो हल्ला मचने लगा, तो हम देखने चले आए। बाहर बाजार की तमाम दुकानें बंद, ऐसा लगता था कि हड़ताल हो गई है। चंद गुंडे हाथों में हॉकियां लिए फिर रहे थे, वो हमारे पास आए। एक गुंडे को तो मैंने पहचान लिया, बड़ा खतरनाक आदमी था। उसने बड़ी नरमी से मेरे हिंदू दोस्त मनोहर से कहा, बाबूजी आप अंदर चले जाएं, ऐसा ना हो कि आपको कोई चोट आ जाए। मनोहर और मैं वापस चले आए। मैंने मनोहर से पूछा कि भाई ये माजरा क्या है। वो बड़ा सावगो लड़का था, तो उसने मुझे बताया कि दो आदमी उससे इश्क फरमाते हैं। उसमें एक
पटरिंगों के मोहल्ले का था, दूसरा फरीद चौक का। मनोहर को पटरिंगों वाला पसंद, इसलिए इन दोनों आशिकों में लड़ाई हुई और नौबत यहां तक पहुंची कि शाम तक 11 आदमी जख्मी होकर अस्पताल में पड़े थे और जाने मन मनोहर बिल्कुल सही सलामत थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मर्दों का कम उम्र लड़कों से गैर फितरी ताल्लुक कैसे जाना? देखिए भाई, जैसा कि मैंने और मेरे दोस्त वारसी साहब ने अंदाजा लगाया है कि आपका शौहर ऐसे शगल करता होगा, आप मुझे इसके बारे में जरूर लिखिएगा। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप कुंवारी हैं कि शादीशुदा हैं। आपका इशारा कहीं, एक बात कहूं, करीब करीब हर लड़का अपनी जवानी के जोश में ऐसी हरकतें करता है। हो सकता है आपने अपने बेटे के बारे में ही लिखा हो, उसे आगाह कर दें, या शादी की उम्र हो गई हो तो उसकी शादी कर दें, क्योंकि हर आदत पक कर तबीयत बन जाती है और ये राह इतनी आसान नहीं है। बहरहाल, आपने मुझे जो चैलेंज दिया है मुझे कबूल है। मैं कई दिनों से इस सब्जेक्ट पर कुछ लिखना चाह रहा था, अब जरूर लिखूंगा, चाहे एक मुकदमा और क्यों ना चल जाए, लेकिन आप मुझे अपने बारे में और इस मुद्दे के बारे में तफसील से लिखें ताकि मैं कोई अंदाजा कर सकूं और इस मुतालिक कोई बेशकीमती अफसाना इस दुनिया को दे सकूं। खाकसार सआदत हसन मंटो। Don't stop.